मामला श्योपुर जिला न्यायालय परिसर का है, जहां श्योपुर जिले के ग्राम सोई खला गांव की महिला शिवानी राठौर और उसके परिजन कोर्ट में चल रहे मुकदमे की पेशी पर आए हुए थे। तभी न्यायालय नसीर शाखा में कार्य करने वाले हरिओम शर्मा और शिवानी राठौर के पति लोकेश राठौर द्वारा शिवानी उसके माता पिता की लात घूंसों से मारपीट कर दी गई। ये पूरी घटना 4 अक्टूबर शाम की बताई जा रही है, जिसमें संबंधित कर्मी और अन्य लोगों द्वारा पीड़िता के साथ कोर्ट पार्किंग में मारपीट की गई है, जिसका वीडियो फुटेज सामने आया है। वहीं वीडियो में कुछ लोगों द्वारा मारपीट की जा रही है और पुलिस खड़े होकर ये सब देख रहे हैं। इस पूरी घटना के बाद शिवानी उसके परिजन कोतवाली पहुंचकर आरोपी के खिलाफ आवेदन देते हैं, जिस पर पुलिस द्वारा मुख्य अपराधी हरिओम शर्मा को छोड़कर अन्य अपराधियों पर मामला दर्ज कर लिया जाता है। वहीं मुख्य आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वहीं शिवानी ने बताया कि पूरी घटना का वीडियो मैंने पुलिस को बताया, फिर भी हरिओम पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि हरिओम सरकारी कर्मचारी होने के कारण पुलिस के नाम नहीं लिखा है। उसी को लेकर महिला ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया व जिला न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के नाम आवेदन पोस्ट द्वारा भेजा गया है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मैं गई थी पेश करने, तो फिर कुछ नहीं, मतलब मेरे ससुर मेरे पति लोकेश राठौर वो मतलब हरिओम शर्मा को लेकर आए और मतलब आते ही देने लगे हैं, कुछ बातचीत कुछ नहीं करी, मुझे मतलब लाश से मार के और पटक दिया। उसके बाद में मेरे पिताजी को मारने लगे। हमने आवेदन दिया, वीडियो दिखाई, तो हमारी मतलब कुछ कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, क्योंकि हमारी उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए हरिओम शर्मा की। कोर्ट का कर्मचारी है हरिओम शर्मा है उसका नाम, किसी ने नहीं बचाया, पुलिस वालों ने किसी ने भी नहीं बचाया। 500 आदमी थे वहाँ से, पुलिस वालों भी थे और मेरे पास तक भी थे पुलिस वालों, तब भी उन्होंने बचाए बुचाए कुछ नहीं करवाई। थाने में गए तो हमारी FIR कटवाने के लिए, तो फिर FIR मतलब हमने बोला कि उसके खिलाफ़ भी FIR कटेगी, तो बोल रहे पुलिस वाले कि उसके खिलाफ़ FIR नहीं कटेगी। थाने पे आया कोतवाली में, तो वो बोल के गया कि मेरे खिलाफ़ FIR काट दी जाए तो मैं जमानत करवा लूँगा, हरिओम शर्मा बोल के गया। एक उन्होंने शिकायती आवेदन दिया और उसकी FIR भी थाना कोतवाली में हुई है। ये पारिवारिक मैटर है, इसमें अपने जो लड़की है उसके अपने सास ससुर और उनके विरुद्ध भी FIR की थी, जिसकी न्यायालय में सुनवाई हो रही थी। उसी बीच का चूँकि दोनों इनके ससुराल पक्ष के लोग और मायके पक्ष के लोग वहाँ थे, तो उनके द्वारा इनमें कहा सुनी हुई है किसी भी बात को लेकर के, तो उसमें ये घटनाक्रम हुआ और उसमें थाना कोतवाली में FIR पंजीबद्ध की हुई है। जो व्यक्ति एक और बताया जा रहा है उसका इस परिवार से कोई प्रथम दृष्टया ताल्लुकात नहीं है, फिर भी इनकी कोई भूमिका है तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उनका पक्ष सुन करके और उसमें भी जो है इन्वेस्टिगेशन में जो भी होगी वैधानिक कार्रवाई करेंगे।